हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह आप सभी को आज नोट पैड प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, नोट पैड में हर एक ऑप्शन के बारे में आज विधिवत सीखना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले नोट पैड को सर्च कर लेते हैं। नोट पैड प्रोग्राम में यहाँ पर विंडो में सर्च किया, उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट पैड प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर नोट पैड। तो यहाँ पर जो नोट पैड लिखा हुआ है, इस नोट पैड में और यहाँ पर लिखा है अनटाइटल्ड। तो यहाँ पर जो नोट पैड होता है, ये प्रोग्राम का नाम लिखे आ रहा है, और यहाँ पर जो अनटाइटल्ड है, ये फाइल का नाम लिखे आ रहा है। तो जो यहाँ पर प्रोग्राम और फाइल का नाम लिखे आता है दोस्तों, इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार में यहाँ पर तीन बटने होती है। एक यहाँ पर है जो मिनिमाइज है, यहाँ पर लिखे भी आ रहा है दोस्तों, देखिएगा। और दूसरी जो बटन है हमारी, यहाँ पर रेस्टोर डाउन लिखे आ रहा है। और तीसरी बटन है क्लोज। तो सबसे पहले हम इसका यूज देखेंगे यहाँ पर मिनिमाइज का। तो मिनिमाइज से देखिएगा क्या होगा। तो मिनिमाइज से हमारा जो प्रोग्राम है वो टास्क बार में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर टास्क बार की प्रॉपर्टी में आ गया है, और टास्क बार से हम इसको ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अगली जो बटन है यहाँ पर रेस्टोर डाउन। रेस्टोर डाउन में यहाँ पर हम रेस्टोर डाउन से क्या करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक को करते ही यहाँ पर प्रोग्राम का आकार छोटा हो जाएगा। इसको कहीं भी मूव किया जा सकता है, इसको हम यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं, प्रोग्राम हमारा छोटा हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर जो दूसरी बटन है, इसका नाम चेंज हो चुका है और यहाँ पर लिखे आ गया है मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज में यहाँ पर हम किसी भी प्रोग्राम को जो है बड़ा कर देंगे। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हम रेस्टोर डाउन करेंगे, वो हमारा प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वह क्लोज का। अगर हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेन्यू बार की। दोस्तों, नोट पैड में ये पूछा जाता है कि नोट पैड में कितने मेन्यू होते हैं, तो उसके लिए हमें ये बताना होगा। यहाँ पर देखिएगा आप स्क्रीन पर, आपके सामने देखिए कितने मेन्यू हैं। तो फाइल एक, और यहाँ पर एडिट और फॉर्मेट व्यू हेल्प, यहाँ पर पाँच मेन्यू हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नोट पैड में पाँच मेन्यू होते हैं। तो सबसे पहले इनके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, एक एक ऑप्शन के बारे में जानना होगा। अगर हमें इसको विधिवत पूर्ण तरीके से सही से सीखना है, तो इसके हमें हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फाइल मेन्यू के ऑप्शन दिए गए हैं, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और व्यू और हेल्प के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फाइल मेन्यू के ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। फाइल मेन्यू का पहला एक ऑप्शन है न्यू। पहले यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, सोहन इज ए गुड बॉय। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, और इस सेंटेंस को अगर हम यहाँ पर पहले हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इस फाइल को अगर सेव करना है तो फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेव का जो डायलॉग बॉक्स आया है, इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर ये जो फाइल नेम है, तो फाइल नेम दे देंगे। फाइल नेम जैसे हम यहाँ पर अपने सेंटर का नाम डाल देते हैं, जैसे यस कंप्यूटर सेंटर, यस कंप्यूटर सेंटर। उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो गई। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर जो है अनटाइटल लिख के आ रहा था, वो अब इस समय पर यस कंप्यूटर सेंटर लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने जो अपनी फाइल है, अपनी फाइल का नाम दिया है यस कंप्यूटर सेंटर। तो यहाँ पर जाएंगे अगला। अब अगर हम इसको न्यू करें, देखो अभी यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, कितना भी कोई भी फाइल लिखी है, अगर इसको हमें न्यू करना है तो फाइल मेन्यू में जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा है न्यू पेज का। तो जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल न्यू पेज हो गया, यहाँ पर अनटाइटल लिख के आ गया और जो हमने लिखा था वो सब चला गया है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर, इसको हमने न्यू कर लिया है, सेव भी कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं, ओपन करेंगे फाइल को। ओपन करने के लिए ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमने जिस नाम से सेव किया था, वो यहाँ पर नाम डालेंगे। जैसे ही एक ऑप्शन टाइप करेंगे, तुरंत जो है नीचे आ जाएगा। इस पर जो है क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ओपन का जो यूज है वो भी देख लिया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब इसमें यहाँ पर सेव हो चुका है, न्यू हो गया है, उसके बाद ओपन हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम सेव एज का ऑप्शन देखना चाहें, तो सेव एज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार फाइल को सेव कर चुके हैं, अगर हम इसमें कोई डाटा बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई भी जो है अगर इसमें डाटा बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इसमें कुछ ऐड कर दें या घटा दें या कुछ मिटाल देते हैं, उसके बाद में अगर सेव करते हैं या दूसरे नाम से फाइल को सेव करें, तो उसके लिए हम सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। सेव एज ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर ये नाम हटा करके दूसरा नाम अगर देना चाहते हैं फाइल को, जैसे हमने
वन टू थ्री से सेव कर दी फाइल को, करना चाहते हैं तो सेव यहाँ कर देंगे, सेव ऑप्शन पर ठीक है क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल हमारी सेव हो गई है। देखिए यहाँ पर लिखे आ गया है 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर न्यू विंडो का दिया गया, ये लास्ट में बताएंगे इससे क्या होता है, न्यू विंडो किस तरीके से रहता है। चलिए अगली अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है पेज सेटअप का। तो जो है पेज सेटअप अगला ऑप्शन है, पेज सेटअप में यहाँ पर क्या होगा, पेज की जो सेटिंग होती है उसको हम सेट कर सकते हैं। पेज सेटअप के ऑप्शन में जाएंगे और पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर हम पेज के साइज को सेट कर सकते हैं उसको। यहाँ पर पेज का जो साइज होता है वो हमारा होता है ए फोर साइज में हम सेट कर लेंगे इसको। उसके बाद में यहाँ पर ओरिएंटेशन को सेट किया जाता है, ओरिएंटेशन में अगर पोर्ट्रेट की तरह से पेज रखना है इस तरीके से सीधे तो ऐसे रखेंगे, और नहीं तो यहाँ पर हमें लैंडस्केप करेंगे तो हमारा पेज जो है वो कार्ड की तरीके से हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम इसको सीधा पेज कर प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट रखेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो इस तरीके से पेज की सेटिंग को यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में प्रिंट करना है तो प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पर जितनी हमें कॉपीज निकालनी है, नंबर ऑफ कॉपीज में यहाँ पर कॉपीज में डाल देंगे 1 2, जितनी जैसे हमें कि 2 कॉपी निकालनी है तो 2 कॉपी हम 2 नंबर यहाँ टाइप करेंगे और उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंटर होगा उसमें ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद में अगला आता है ऑप्शन हमारा एग्जिट का। एग्जिट से क्या होगा, अगर हम प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको न्यू विंडो का ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको करते हैं मिनिमाइज, और मिनिमाइज में नीचे यहाँ जाएंगे तो अभी एक विंडो ओपन है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर न्यू विंडो करना चाहते हैं, जैसे न्यू पेज होता है ठीक वैसे ही न्यू विंडो होगा। जैसे यहाँ पर हमने न्यू विंडो पर क्लिक किया तो एक नई विंडो यहाँ पर ओपन होकर आ गई। देखो एक विंडो पहले से थी और दूसरी विंडो यहाँ पर न्यू हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पर भी वर्क कर सकते हैं अलग तरीके से। तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं तो फाइल मेनू में एग्जिट करेंगे यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। नमस्कार, आप जो है चलते हैं अगले नेक्स्ट मेन्यू की तरफ से। तो इसके बारे में अगले वीडियो में आपको मैं